यार नेपाल में इस बाइक का प्राइस पता कितना है? इंडिया में 3 लाख। हाँ नेपाल में, इंडिया में 3 लाख, ठीक है, नेपाल में 4.5 लाख। 4.5 लाख की नेपाल में भाई ये बाइक, समझ रहे हो अपनी तरफ, 4 लाख। तो वो देखो भाई साहब, इंडिया में भाई साहब, इंडिया नेपाल बॉर्डर, यही तो स्टोरिया बनेंगी अभी भैया साइड में। अब अपनी बाइक भी आ रही है नेपाल, तो इसी भी यार भैया गए हैं बंसार बनवाने, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक भाई नमकीन चल रही है, मतलब रात हो गई इधर और उस तक थोड़ा दिन होगा, क्योंकि उधर 15 मिनट पीछे है दिन की और इधर 15 मिनट आगे दिन की है, तो ये कुछ सीन है भाई। तो वेट करते भैया का एंड, उसके बाद अपना होटल लेंगे, हलवा लेंगे अपना नेपाली रुपीस, तो काफ़ी पैसा हो गया एंड सिम भी मिल गई है, तो पैसा ही पैसा होगा अपने पास, तो अभी चलते हैं होटल। फाइनली अभी मतलब नेपाली नोट आप लोगों ने देखा ही, नेपाली नोट मतलब सिम पड़ चुकी है अपने फ़ोन में और सारी चीज़ें हो गई, वाईफाई मिल चुका है, तो रिचार्ज कर लीजिएगा। बंसार भी रेडी है बाइक का, जो कि हम लोग 5-6 दिन जो भी रुकना है यहाँ पे, तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है एंड उसका पे करना पड़ता है, तो वो उसको कहते हैं बंसार, तो वो सब करवा लिया है। मतलब भैया गए अभी वहाँ तक, थोड़ा काम करा के आते हैं फिर सीधा उत्तम पार्क कर दी। वादा भी ये कुछ नेपाल वाली बाइक है, सीन देखो कुछ अपना होटल है, तो चेक इन करते हैं, ये देख सकते हो बाय द वे ये कुछ रिसेप्शन एरिया अपना, और चलते हैं अभी रूम रूम की तरफ। सो गाइस अपना रूम है 5008, तो चलते हैं अभी, मैंने पहले ही हम लोगों ने रूम देख लिया था, चेक ये वाला 678, तो जगह नहीं है। वाह, तो ये कुछ अपना रूम है, 2 बेड्स, जन्नत, ये कुछ सीन है। अब अपन किंग बनेगा इधर का, तो बाय द वे अभी हम लोग के सामान इधर है पहले से ही, और एक बेड मेरा, एक बेड भैया का, एंड ये सीन है। तो भैया थोड़ा हो जाते हैं हम लोग फ्रेश एंड उसके बाद आपको मिलते हैं। तो गाइस ये कुछ अपना वॉशरूम है, ये देख सकते हो गोरा, काफी गोरा आ रहा है। बाइक में क्या? अभी हम लोग गए थे थोड़ा घूमने, अपना मतलब ऐसे कुछ खाने पीने, मोमोज खाए यहाँ पे, टेस्ट किए, काफी बढ़िया, मतलब इंडिया से टेस्ट अलग है भाई, क्योंकि जानते हो नेपाल चाइना ये सब यही सब चीजों के लिए मशहूर है। तो वादा भी जिस होटल में हम लोग रुके हैं भाई, वो 4-स्टार होटल है, नेपाल का सबसे ज्यादा मशहूर होटल है एंड डेंसो होटल। तो अभी मैं आपको एक बार रिसेप्शन दिखा देता हूँ और बाहर से भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये होटल मेन है भाई, 4-स्टार है, तो कुछ ये एरिया रिसेप्शन वाला है, देख सकते हो ऐसा कुछ एरिया है वाला भाई, ये देख सकते हो, और ये बाहर से कुछ व्यू है इसका, और बोलते हैं तो देख सकते हो ऊपर नैनसो। तो ये कुछ होटल है। पहली बार तुमने इतनी लंबी राइड की, 350 किलोमीटर की, कैसा लग रहा है तुम्हें? मतलब राइड करने में पता थक गया था बहुत, पेन तो पीठ बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, बट होटल आते ही मतलब मजे की जिंदगी है, चैन भरी, देख रहे हो मतलब यहाँ पे। भाई देखो ये हमारा रूम है भाई, पूरा गंदा करके रखा है। भैया का बेड सही है भाई? मेरा भाई सही है, अभी मैंने तो हाथ भी नहीं रखा बेड पे, और संजय करके आ गई चुकी है भाई अपनी नाइट की कॉफी, तो कॉफी पीते हैं और उसके बाद सोते हैं सीधा। अभी बज रहे रात के 1:30 और नींद नहीं आ रही भाई अपन को, मतलब क्या ही सीन हो रहा है। तो भैया भी मजे ले रहे हैं, हम भी मजे ले रहे हैं, भैया सामने वाले बेड पे, हम इधर हैं भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई न्यू वीडियो क्या कह सकते हैं यार, टू भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। वादा पे भाई अभी हो रही है सुबह, गुड मॉर्निंग हो रही है नेपाल से। तो भैया गए हैं वॉशरूम और अपन लोग भाई अभी भी उठे हैं, अप्रॉक्स भाई रात के 2 बजे सोए हैं, और 2 बजे सोने के बाद अभी बज रहे हैं सुबह के 7, इंडिया के 7, और यहाँ के 7:30 बज रहा है, तो सीन कुछ ये है। वादा पे अभी भाई मतलब जैसे मुँह में नहीं लगता, थोड़ा जैसे चाय की तलब वो सीन हो रहा है, तो अभी कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट के नीचे चलते हैं और उसके बाद तो अभी आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि रात में अभी व्यू नहीं दिखा पाए थे, नॉर्मल व्यू है यहाँ का, क्योंकि काठमांडू के जाने के बाद भाई एक से एक व्यू आने वाला है, तो भाई व्यू दिखाते हैं भाई इधर से। तो
व्यू थोड़ा कुछ इस तरीके का है भाई नेपाल से। देख रहो अच्छा है भाई, काठमांडू के लिए भाई व्यू अच्छा अच्छा हो जाएगा। अभी देख सकते हो फुल, लगाओ 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 की लगाओ, लाइट तो आए थोड़ी। तो गाइस चलते ब्रेकफास्ट करने, तो नीचे ले चक्के चलते हैं आपको, ये कुछ सीन है। उफ, चल के ब्रेकफास्ट करके आते पहले। अभी आ चुके थे भाई रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट काफ़ी बढ़िया है एकदम एक नंबर, एंड अपना फूड भी निकाल लिया जो कि खाने के लिए। तो बाय द वे पीछे देख सकते हो ये कुछ सीन है, तो दिखाते क्या खा रहे हैं एंड फिर निकलते हैं। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने लिया पास्ता, आलू का पराठा और दही, एंड ये पता नहीं क्या है यहाँ का जो भी डिश। बाय द वे भैया ये सब नॉर्मल खा रहे हैं, नॉर्मल क्या ये कुछ सीन है। अभी दिन से दिखाते, तो ये खड़ी अपनी बीस्ट, और बाय द वे ये कुछ होटल है अपना नैन्सी होटल PBT 4-star रेटिंग, तो यहाँ लिखा देख सकते हो नैन्सी 4-star। तो ये कुछ सीन है। बाय द वे ये देख सकते हो जेट पाजी वाली बाइक है CR भाई, बढ़िया बाइक है नंबर प्लेट में। वाह नेपाल की रोडों पे भाई, एंड का ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं अभी मैं और भैया। कैसा था ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट बहुत जबरदस्त था भाई, सही था। मैं तो रेडी हो चुके हैं एंड लगेज भी रेडी हो चुका है, तो निकलते हैं बाइक पे लगाते हैं, निकलते हैं सीधा। तो भैया का पूरा राइडिंग गियर्स प्रॉपर, एंड बाय द वे ये देखो अपने नेपाल का नोट। तो चलते हैं भाई, निकलते हैं भाई। एक ये लगेज है अपना बंजी रॉक, एंड ये सडल बैग्स, बाकी कुछ नहीं रह गया इस रूम में, बाकी तो चेक इन कर लिया है। बाय द वे किसी को अगर आना है तो भाई एक प्रॉपर ब्लॉग डालेंगे इस पर, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना लोकेशन वोकेशन। और ये कुछ सीन था, एंड हेलमेट्स सभी उठाना है। ओके ओके बाइक के पास एंड लगेज। वाह भाई बाय द वे भैया रखने वाले हैं इस पे लगेज, तो थोड़ा ब्लॉग। बाय द वे भाई बहुत यस बैग लगेज लग गया, निकलने के लिए तैयार भाई अपन लोग। बाय द वे निकल चुके हैं बॉर्डर की तरफ, मतलब बॉर्डर की तरफ से अभी इधर काठमांडू वाले रूट में। यार हमारा होटल का 5-star ये देखो बाबा। तो अभी अपने को ये वाला टर्न लेना है काठमांडू के लिए, तो बाय द वे ये है नेपाल पुलिस, वहाँ से राइट साइड मोड़ना और ये वाला रूट पकड़ना है अपने को। कितनी ज़्यादा धूल हो गई बाय द वे, ये कुछ सीन है। वादा में देख लो पहाड़ दिख रहे होंगे आपको, तो आप भी मतलब ध्यान से देखोगे तो ये जो पहाड़ है भाई, वाह भाई भाई साहब भाई पहाड़ी पहाड़ भाई, वो मैंने सोचा कि ये क्या है यार। देखो वो दिख रहा होंगे पहाड़, वो देखो देखो एक तरफ पहाड़ देखने की एक्साइटमेंट है। हाँ ठीक है, अरे दूसरा ये दर्द है, ये धक 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 के। तो स्पीड गाड़ी की स्पीड देखो क्या है, 20, 18, 19 भाई ऐसा चलना है 3-4 घंटे। बाद में भाई पहाड़ दिख रहे हो भाई, पहली बार तो पहाड़ देख रहा हूँ, वो देखो उड़ते उड़ते अंकल भाई साहब। अभी आपको नॉर्मल नहीं दिख रहा होगा, बट अभी पास में चल के दिखाते हैं आपको। फाइनली फाइनली भाई पहाड़, वो देखो दिख रहे होंगे आपको भी पहाड़। बाद में अभी हम लोग आए नेपाल की एक हेलमेट की शॉप पे, तो यहाँ से हमको अपनी गाड़ी के लिए फ्लैग लेना है बाय द वे टूरिस्ट वाला सीन करना है। बाद में यहाँ पे रेंट पे गाड़ियाँ मिलती हैं, यहाँ पे सबसे नंबर है, दो दो हेलमेट शॉप है बाय द वे टूरिस्ट की तरफ नेपाल शॉप। नेपाल शॉप बाय द वे कलेक्शन बढ़िया है नेपाल का, क्या ही वाओ, एक से एक कलेक्शन है भाई, इंडिया से अच्छे नेपाल में। अभी मतलब 55 किलोमीटर बाद एक स्टॉप लिया था बाइकर्स की पॉइंट पे, तो अभी हम लोग को यहाँ पे कुछ सामान लेना था बाय द वे बाइक का शॉप है, देख सकते हो रामा देवी हेलमेट हाउस। बाय द वे काफ़ी बढ़िया है, एंड बाय द वे अभी आपको मैं दिखा, जैसे कि ये पहाड़ दिख रहा वहाँ स्टार्ट हो चुके हैं पीछे, और आपको अंदर दिखाता हूँ मतलब शॉप में काफ़ी बढ़िया बढ़िया कलेक्शन है भाई, मतलब अपने इंडिया के मुकाबले अच्छा अच्छा कलेक्शन है भाई हेलमेट्स का भाई, यूनिक यूनिक हेलमेट दिख रहे हैं भाई। बाय द वे मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ से आप रेंट पे बाइक ले सकते हैं अगर किसी को सामान जरूरी। तो चिंदौली बॉर्डर से हम लोग 55 किलोमीटर आगे आए, वहीं पे ये बाइक की शॉप पड़ती है, बाय द वे दिखाते हैं आपको। ये नेम है कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप लोग नंबर भी दिया है, और हेलमेट्स का कलेक्शन ये देखो, चेक दिस आउट भाई, और दिखाओ ऑफरोडिंग वाला, ऑफरोडिंग भाई। और भाई अंदर से शॉप कुछ ये है भाई, मतलब कलेक्शन काफ़ी बढ़िया भाई,
थंडर इंडिया वाला भाई। अबे ये देख रहे हो भाई, सीन चेक करो भाई, एक नंबर हेलमेट भाई। इंडिया में सीन ही ना हो यार, ऐसी सीन अलग ही है भाई, मतलब कलेक्शन एक नंबर भाई साफ था भाई। बाद अभी यहाँ पे आपको सारी एसेसरीज मिल जाएंगी, और हैंड गार्ड, लेग गार्ड्स, सपोर्टर, इंजन गार्ड, सारी चीज़ें। बाय द वे इस हेलमेट की बात कर रहे थे भैया, काफ़ी बढ़िया भाई, ऑफ रोडिंग वाला। बाय द वे इसका प्राइस है भाई 700 नेपाली, 7000 नेपाली। तो ये कुछ सीन ओम नमः शिवाय वाला हेलमेट्स, ये देख सकते हो सीन काफ़ी बढ़िया, कलेक्शन में एक नंबर। तो बाय द वे भाई आप लोग भी विजिट कर सकते हैं, निकलते हैं आगे। यार नेपाल में इस बाइक का प्राइस पता है कितना है? इंडिया में 3 लाख। हाँ नेपाल में, इंडिया में 3 लाख, ठीक है, नेपाल में 4.5 लाख। 4.5 लाख की नेपाल में है भाई ये बाइक, समझ रहे हो अपनी तरफ 4 लाख की क्या है, 1.5 लाख की चीज को बात है भाई। ये इंडिया की 3 लाख, मतलब नेपाल का कितना हो जाएगा? 9 लाख। 9 लाख के आसपास की है भाई यहाँ नेपाल में ये भाई, और नेपाल में है भी नहीं। बात है पहाड़ भाई, पहाड़ स्टार्ट हो गए भाई, घुमाओ दो रास्ते, वाह पहाड़ों में। तो ये पहाड़, और ये देखो वाटरफॉल, एंकर सीन, ये देखो एंकर वाटरफॉल। भाई ये आपको थोड़ा दूर लग रहा है, बट ये पहाड़ बहुत ही ज्यादा पास है भाई, बहुत सीन है ओके। तो भाई साहब ये कुछ सीन आ रहा भाई साहब, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल भाई साहब, पहली बार पहाड़ों के मजे देख रहे हो सामने से। तो भाई साहब लेवल फील है भाई साहब, पहाड़ों वाह क्या भयंकर सीन, ये देख रहे हो पीछे वाला तबाही, भयंकर सीन देख लो भाई साहब, एक ड्रीम होता भाई पहाड़ों पे ट्रिप करना। ये देखो अपने पीछे से आ रही है बीस्ट भी, तो ये देखो लोग एकदम भयंकर भयंकर लुक आ रहा भाई साहब, भयंकर साहब।
लगता है ये पल जिंदगी का है। अता बता रहे ना किसी का यही कहे ये पल जिंदगी का कि खुद गर्द सी ख्वाहिश लिए बेसास भी हम तुम जिए है गुलाबी गुलाबी सवा के सामने खेती होती है। भाई साहब क्या ही नजारे हैं। अभी भी हम पहाड़ पे होंगे। अभी हम लोग 70 किलोमीटर आगे आके स्टॉप लिया मतलब खाने पीने के लिए। तो यहाँ भाई नेपाल में जानते ही हो एक सौ नब्बे बाकी है अभी। तो मतलब ये कुछ सीन है और यहाँ कुछ खाते पीते मोमोज वोमोज चाय वाय ये सब मिलेगा इधर। और इस मतलब जगह का नाम है चोरमा रॉय, मतलब चोरमा रॉय करके कोई लोकेशन है वहाँ पर। अभी तो खाते हैं निकलते हैं। गाइस अभी देख सकते हो ये अपना सीन देखो। पहले बात तो बाइक अपनी और तो भाई मतलब जो अपना ये ना क्या कहते हैं नेपाल, तो इसकी बसें देखो भाई मतलब अलग ही बसें हैं बिल्कुल एकदम अलग। और वादा भाई यहाँ शॉप देखो एक ये शॉप देख रहे हो कैसी है ये कुछ सीन है। वादा भाई यहाँ पे हर शॉप पे दारू मिलती है खुला। खुला दारू चलती है भाई इधर खुला। वादा भाई ये कुछ सीन है। वादा भाई यहाँ के हाउस बहुत ही सेक्सी है भाई एक नंबर। चाय एंड बंद आ चुका है एंड अभी अपनी चाउमीन आने वाली है चिकन चाउमीन। तो देख सकते हो कैसी बीस्ट कड़ी। वादा भाई देख रहे हो सीन भाई ये देश हमसे थे हमारे देश से 50 साल आ गए फिर भी ऐसी बसे। ये कुछ हाल है भाई हाल बेहाल। हाँ दिखाओ अपना इधर वाला ये देखो ये वाला इधर दिखाओ ऐसे करना इधर ये देखो कपड़े की हालत। सीन ये देख सकते हो चिकन नूडल्स आ चुके हैं। ये देख सकते हो चिकन साफ साफ दिख रहा होगा। तो खाते हैं निकलते फिर यहाँ से। बाय द वे ये कुछ सीन है।